लापरवाही करने वाले अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान व्यवस्था में लापरवाही करने वालों के खिलाफ जाँच के लिए कमेटी बनाई जाएगी। जहाँ जहाँ लापरवाही पाई जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान शून्यकाल में विपक्ष द्वारा उठाए गए मसले पर यह बात कही। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान शून्यकाल में विपक्ष द्वारा उठाए गए मसले पर कहा कि कोविड महामारी के दौरान हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की। उन्होंने बताया कि हरियाणा के अस्पतालों में लगभग 13,000 लोगों की कोविड के कारण मृत्यु हुई। इनमें से लगभग 9,500 हरियाणा के रहने वाले थे, जबकि लगभग 3,500 हरियाणा के बाहर के कोविड मरीजों की मृत्यु हुई। हरियाणा में लगभग 4,000 निजी अस्पताल हैं। सभी जगह पर हर शहर में एजेंसियां के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। ज़रूरत पड़ने पर पास के शहर में भी ऑक्सीजन की सप्लाई कराई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिसार, रेवाड़ी और गुरुग्राम से कुछ अस्पतालों में लापरवाही की बात सामने आई थी। इन दिनों स्थानों पर लापरवाही के मामलों की मजिस्ट्रेट जांच कराई गई है। दो स्थानों की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया है कि ऐसा कोई मामला नहीं है जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौत हुई है। हिसार के मामले की जांच रिपोर्ट में हिसार के सोनी अस्पताल की लापरवाही की बात सामने आई है। उक्त रिपोर्ट SP को प्रेषित कर दी गई है, जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी की जाएगी। हिसार के जिस सोनी अस्पताल की लापरवाही की बात सामने आई, वहां पर खपत प्रतिदिन 80 सिलेंडर तक पहुंच गई है, जबकि अस्पताल के पास उपलब्ध सिलेंडर की संख्या 20 थी। ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम न्यूज 24। ये विषय हिसार में उठा, ये विषय गुरुग्राम में उठा, ये विषय रेवाड़ी में उठा। हाँ, सब जगह तीनों जगह पर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराई गई और दो जगह तो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में भी आ गया कि उस प्रकार की सच्चाई कहीं नहीं है कि ऑक्सीजन के कारण से कोई डेथ हुई है, जिसमें गुरुग्राम की भी रिपोर्ट ये है और रेवाड़ी की भी। इवन इंडस्ट्रियल एरिया की भी जो ऑक्सीजन थी उसको ही बंद करके और सिलेंडर सारे अस्पतालों में दिए। इसके बाद इस आपूर्ति को पूर्ण करने के लिए प्रतिदिन 5 बार सिलेंडर रिफिल के लिए जाना अनिवार्य था। ऐसी परिस्थिति में अन्य ऑक्सीजन सिलेंडर खाली का प्रबंध न करने के कारण बीते 5 दिनों में किसी अप्रिय घटना की आशंका निरंतर बनी रही। इस प्रकार यह आरोप भी हॉस्पिटल की लापरवाही को दर्शाता है। अतः उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्णित हॉस्पिटल द्वारा COVID-19 के मरीजों के जीवन स्वास्थ्य बारे लापरवाही बरती गई है। रिपोर्ट आपकी सेवा में, सूचना आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित है। ये SDM की रिपोर्ट है। जो उसके बाद डॉक्टर्स का एक बोर्ड, उसको कुल मिलाकर के उनके जिम्मे, क्योंकि हॉस्पिटल को जिम्मेवार ठहराने से पहले अब जो एक्ट बना हुआ है उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी केस देना पड़ता है। सीधा उसके खिलाफ 304 की धारा लगाई नहीं जा सकती डॉक्टर के खिलाफ। उन्होंने भी ये कहा है कि लापरवाही है डॉक्टर्स की। वो जो रिपोर्ट है वो SP हिसार को दे दी गई है। SP हिसार उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और उस हॉस्पिटल में डॉक्टरों